जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया था कि हम लगातार उसको नियंत्रण करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, और यही अगर आप देखेंगे तो आज हमारे पास एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर 2988 है, जबकि डिस्चार्ज होने की संख्या 3571 है। मतलब एक्टिव केस से ज्यादा हमारे डिस्चार्ज हुए हैं, और इसलिए हमारा कहना है कि कोरोना से सावधानी की जरूरत तो है पर भयाक्रांत होने की जरूरत नहीं। ये एक ऐसा रोग है कि ये अभी चलने वाला है, जब तक इसका वैक्सीन नहीं मिलता है, इसका टीका नहीं बनता है, जब तक इसकी प्रॉपर दवाई नहीं मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हमने इसके चक्र को तोड़ दिया कोरोना के को, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई पेशेंट हो भी जाता है तो हमने मध्य प्रदेश के अंदर इस समय में 1481 फीवर क्लिनिक खोले हैं। जगह जगह पर फीवर क्लिनिक हम लगातार खोलते जा रहे हैं, और आपको ये जानकर अचंभा होगा कि 34,753 लोग अभी तक फीवर क्लिनिक पर आकर इसका लाभ ले चुके हैं। और इसके आने के बाद में हमने इनको पेशेंटों को 3,217 को हॉस्पिटल भी भेजा, 5,35,000 श्रमिक आ चुके हैं। इसमें से 5,35,000 में से 3,72,000 बसों से, 1,63,000 ट्रेन से आए। आज भी 3 ट्रेनें आई हैं, कल 4 ट्रेन आएंगी। हमने 750 बसें जो अन्य प्रदेशों से मजदूर आ रहे हैं बॉर्डर पे लगा के रखी है, दूसरे प्रदेशों तक पहुंचाएंगी। अभी तक हम 4,15,000 मजदूर दूसरे प्रदेशों के पहुंचा चुके, जो कि वो कुल 194 ही आए हैं। मतलब हम 200 से नीचे आ गए हैं नए केस एक्टिव केस में। ये सब संभव हो पाया आप लोगों के, सब लोगों के और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता से। उन्होंने जिस दूरदर्शिता से जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन किया, इससे ये कोरोना का चक्र टूटा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य का तैयार है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं। तो WHO से लेकर दूसरी रिपोर्टें आ रही हैं, कोरोना बढ़ेगा, अब बाहर से मजदूर आएंगे, गांव-गांव जाएंगे, तो ये बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए घबराने वाली बात नहीं, सावधानी वाली बात जरूर है।